हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे कि कल के वीडियोस में देखे थे कि गैस लॉ में पहले लॉ को जहां पर बॉयल्स के लॉ को डिस्कस किया गया था कि बॉयल्स ने क्या किया था, किस तरह से रिलेशनशिप को बताया था प्रेशर और वॉल्यूम्स, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप के बाद गैस लॉ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है गैसेस स्टेट में कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में मोल को कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, आपको प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, अब टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, इन सब को हमने इससे पहले पढ़ा था। आज से देखेंगे सेकेंड गैस लॉ, या फिर बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया यह नियम जिसे बोला जाता है चार्ल्स लॉ, और यह है कि यह नियम हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यह हमें एक फिक्स कंडीशन पर हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है कि किस तरह से वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ जुड़ा हो। कल जो हम लोग लास्ट वीडियोस में देखे थे उसमें बॉयल्स लॉ को देखा था और बॉयल्स लॉ ने हमें रिलेशनशिप बताया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। इस बार वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम्स का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप क्या कहता है, सुना है। कहता है कि अगर आप किसी वेसल्स के अंदर गैस को लिए हो, ठीक है, किसी वेसल्स के अंदर में गैस को ले रखे हो और यहां पर सपोज इसकी वॉल्यूम्स बी है फिलहाल, और हम कह रहे हैं कि इस पर एक प्रेशर टी लगा करके रोटी, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन जो आप लोगों को समझ में आ जाए इसी तरह से करें। ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन का काम होता है कि आगे पीछे मूव कर सके, ठीक है, जैसे कि इंजन वगैरह में भी लगा रहता है, वो आगे पीछे मूव कर सके, मतलब कि अगर ये आगे मूव करेगा तो वॉल्यूम को घटा देगा, ठीक है, और पीछे की ओर मूव करेगा तो वॉल्यूम को, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि एक गैस को डाल करके छोड़ दिया, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो चीज को समझ लें। हमने बाहरी प्रेशर को फिक्स कर रखा है, मतलब गैस पर लगने वाला प्रेशर फिक्स कर दिया, हमने एक नॉर्मल हाथ से उसे लगा, ठीक है, मतलब उस प्रेशर के अमाउंट में बदलाव नहीं करेंगे। गैस को फिक्स कर दिया मतलब गैस की संख्या, जो मोलों की संख्या है वो भी हमने फिक्स कर दी। यहां पर दो चीज फिक्स इसलिए कर दिया गया ताकि चार मेजरेबल क्वांटिटी में हम दो का रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो बाकी दो क्वांटिटी नहीं बदलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक दूसरे के बदलाव के साथ क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो यहां पर दो चीज को फिक्स किए हैं, प्रेशर को और नंबर ऑफ पार्टिकल या गैस की संख्या को फिक्स कर। अब समझो कि आप जानते हो कि मान लिया जाए हम इसे किसी स्टोव की मदद से इसे हम गर्म करें, मान लीजिए स्टोव की मदद से गर्म करने का मतलब हुआ कि आप उसे आग जलाइएगा या उस पिस्टन को गर्म कीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप सिंपल बोलो कि अगर गैस को फ्लेम करने से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब कि ये पार्टिकल की मोशन, जो क्लास नाइन्थ में हम लोग पढ़े थे कि जो भी सूक्ष्म कण होती है उनकी गति तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब ये जो कण जो गैस के अभी अंदर में मौजूद थे वॉल्यूम के अंदर, जैसे ही तापमान बढ़ा इनकी गति क्या हो गई, बढ़ गई। और गति बढ़ने का मतलब हुआ कि यह जो पिस्टन का वॉल है, पिस्टन की जो मूवमेंट करने वाली पार्ट है, इस पर उसका प्रेशर, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और अंदर का प्रेशर बढ़ जाए और बाहर आप फिक्सी प्रेशर लाओ तो कहीं ना कहीं पिस्टन क्या करेगा, पीछे की ओर स्लाइड होगा, पीछे की ओर वो खिंच चला आएगा, इसलिए क्योंकि अंदर का अंदरूनी प्रेशर उसका बढ़ रहा है तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है। और इसे हम अगर दूसरे रूप में कहें तो सिंपल सोचे कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे थे इसलिए अंदर वाला प्रेशर तब तक हावी हुआ जब तक अंदर वाला और बाहर वाला प्रेशर बैलेंस रहा, मतलब प्रेशर हम कांस्टेंट अगर रखेंगे तो तापमान बढ़ने के कारण पिस्टन अगर पीछे की ओर गई है इसका मतलब कि वॉल्यूम भी बढ़ गया। आप सिंपल सोचो यह वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम था, ठीक है, तापमान बढ़ा है, पिस्टन पीछे मुड़ गया, इसका मतलब कि वॉल्यूम भी बढ़ गया,
तो हम कह रहे हैं कि तापमान बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज कर, चीजों को समझिए, हमने तापमान बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो हम चार्ल्स के लॉ के हिसाब से लिखे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में सीधा सीधा रिलेशनशिप है कि यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, और इसी का उल्टा भी सही कि वॉल्यूम अगर घटता तो टेम्परेचर भी घटता, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को चार्ल्स ने बोल दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कि एट फिक्स प्रेशर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल्स चार्ल्स लॉ को लिख लीजिए कि एट फिक्स टेम्परेचर, सॉरी एट फिक्स प्रेशर, प्रेशर फॉर फिक्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट आप अगर मान लिया कि वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को नोट्स भी बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाद में उसे नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या देखें एक्सपेरिमेंट से अपना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा, मतलब कि तापमान के बढ़ने के साथ गैसियस का वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा और बढ़ेगा, ठीक है। चलो अगर हम मैथ्स जानते हैं तो ऑब्वियसली है कि वॉल्यूम के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, मतलब समानुपाती का चिन्ह है, और हम लोग क्लास सिक्स से ये चीज को पढ़ रहे हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक या कांस्टेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह दें कि ये लिख सकते हैं v इक्वल टू के टी, हमने कंडीशन दो चीज को फिक्स रखा है कि इसमें दो में बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये जो था वही है, तो अगर ये दोनों फिक्स है तब हमारा ये रिलेशनशिप आया v इक्वल टू के टी, मतलब कह सकते हैं कि गैस के लिए v बाय टी एक कांस्टेंट होगा, कब कांस्टेंट होगा, जब p और n को फिक्स किया, ठीक है। v बाय टी आपका कांस्टेंट होगा जब आप प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स कर, मतलब प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई बदलाव अगर नहीं कर रहे हैं तो v बाय टी, मतलब कि जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो लिया जाएगा वो आपको फिक्स, मतलब किसी कंडीशन। तो आप इसी तरह से कह सकते हो कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी गैस के लिए v1 बाय t1 की वैल्यूज भी सेम आएगी, v2 बाय t2 की भी वैल्यू सेम आएगी, v3 बाय t3 की वैल्यू आएगी, क्योंकि सबके सब किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब सब के सब कांस्टेंट के बराबर ही है तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स रखा गया है उसके लिए हमेशा v बाय t का रेशियो बराबर, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम की मदद से देखेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट किस तरह से हमें बताता है। क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तब तक आप नोट्स वगैरह को पीछे की वीडियोस जा करके, अगर मान लीजिए अगर उनका कंफ्यूजन रह जाए तो वीडियोस को पीछे करके देख सकते हैं। तो हम सब दे क्वेश्चन लेते हैं फॉर एन एक्सपेरिमेंट में एन आइडियल गैस इज टेकिंग एट 1 atm प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एंड
टेम्परेचर इज रेज्ड बाय थ्री टाइम्स फाइंड द चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। तो पढ़े कि क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट जाना हमारा टारगेट नहीं है, हम लोग स्लोली जा रहे हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के पार्ट बाय पार्ट देंगे। कुछ बंदे जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की ओर मूव करते हैं तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्टी होता है समझने के लिए, तो पार्ट बाय पार्ट समझे। फॉर एन एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी प्रयोग के लिए एन आइडियल गैस इज टेकन, किसी प्रयोग के लिए कोई आइडियल गैस को लिया गया है। किस कंडीशन पर लिया गया है? प्रेशर 1 एटीएम रख करके इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर मतलब कि बंद कंटेनर। बंद कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि उसमें अब गैस ना तो इन करेगा ना तो गैस निकालेगा। उसे कहने का मतलब क्या हुआ कि उस कंटेनर से अब ना तो गैस इन कर रहा है और ना ही निकल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे, इसलिए आपको सोचने वाली बात नहीं है कि हर बार इतना सोचना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं भी होंगे तो 1500-2000 क्वेश्चन आपको विद इन 30 डेज, मतलब एक महीने के अंदर जो आपका सिलेबस खत्म होगा उसके अंदर बात करेंगे। तो कह रहा है कि एक कंटेनर में लिया गया है गैस, आइडियल गैस है जो 1 एटीएम प्रेशर पर था। कह रहा है इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब कह रहा है कि अगर प्रेशर ऑफ सिस्टम का प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट मतलब बना रहता है कॉन्स्टेंट, मतलब बिना चेंज का एक फिक्स बना रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रयोग के दरमियान प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो फिक्स बना हुआ है। एंड टेम्परेचर इज रेज्ड बाय थ्री टाइम्स, और कह रहा है कि टेम्परेचर अगर एक्सपेरिमेंट में 3 गुना से बढ़ गया, 3 टाइम्स करने का मतलब 3 गुना रेज्ड बाय मतलब बढ़ गया, तो कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज को फाइंड। इस पूरे चीजों को देखिए, यहां पर है कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि क्लोज कंटेनर लिया है जिस कंटेनर में गैस ना तो अब इन होगा और ना ही गैस अब आउट होगा, मतलब गैस के मोल भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारा फिक्स है। अगर ये दो कंडीशन प्रेशर और नंबर ऑफ गैस के कंडीशन फिक्स है, इसका मतलब कि हम आजाद हैं चार्ल्स लॉ को यूज करने के लिए, ठीक है। और चार्ल्स लॉ कहता है कि इस कंडीशन पर V1/T1 = V2/T2 हम लगा सकते हैं, क्योंकि डायग्रेविटी की प्रॉब्लम है। तो समझ ले कि हम मान लेते हैं कि मान ले इनिशियल वॉल्यूम हमारा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम दिया नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम हम मान ले कि फाइनल वॉल्यूम हमारा V2, इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर जो कह रहा है वो क्या बोल रहा है 3 टाइम्स, तो हम या तो T2 मान ले या फिर इसी का 3 गुना कर दे, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर 3T1, ये रिलेशनशिप को यूज करना है। तो लिख लो V1/T1 = V2/3T1, इसका मतलब V2 = V2 = 3T1, मतलब कि वॉल्यूम भी 3 गुना हो गया इनिशियल वॉल्यूम का, यही चेंज, ठीक है। वॉल्यूम भी कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना, जितना गुना से टेम्परेचर बढ़ा उतना ही गुना वॉल्यूम बढ़ गया, यही चार्ल्स का स्टेट, ठीक है। प्रॉब्लम्स को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि हम अगले क्लास में। दूसरी चीज, हम एक्सपेरिमेंट बेसिस पर लॉ को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को लेंगे, ताकि मिक्स प्रॉब्लम्स को यूज किया जाए, पर्टिकुलरली एक लॉ से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपसे नहीं पूछा जाता। चलो अब हम देखें चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो चार्ल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ल्स का लॉ कहता था कि V = KP, जो हमारे चार्ल्स की लॉ थी। हम चार्ल्स लॉ पर जा रहे हैं
और जहां पर चार्ल्स का लॉ था वहीं पर पहुंचे, V इक्वल टू के टी, के मतलब कांस्टेंट और टी मतलब अपना टेम्परेचर। अब कल ही हम लोग को बताया थे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर सेट हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कि वह लाइन स्ट्रेट लाइन देगा। मतलब अगर ग्राफिकली हम इसे देखना चाहें तो ग्राफिकली आप कह सकते हो कि यह सेट हो गया, v हो गया y एक्सिस के लिए तो v एक्सिस, और t को हम x एक्सिस मान ले t एक्सिस, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस सी में मतलब आपको कुछ नहीं मिला तो ये जीरो बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर से m की वैल्यूज देखे तो m की वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब कि बढ़ता हुआ ग्राफ, मतलब कि नीचे से ऊपर जाता हुआ ग्राफ मिले। जो भी कर्व या जो भी इक्वेशन आपको इस तरह के फॉर्मेट में सेट मिले तो आप मान करके सीधे बोल दो कि वह ग्राफ जो मिलेगा हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है। और सेट हुए में कंपेयर कर ले कि ये जो होगा वो वाई को बताएगा मतलब वर्टिकल एक्सिस पर, ये जो टी है एक्स को मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और जो t के साथ लगा हुआ जिसे हम बोले m स्लोप जिसको, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब बढ़ता हुआ, नेगेटिव रहता तो घटता, ठीक है। c की वैल्यूज कुछ नहीं थी तो मान लीजिए जीरो, मतलब c वैल्यूज ये बताता है कि कहां से हमको लाइन को शुरू करना है, ठीक है। तो हमको लाइन को कहां से शुरू करना है, कुछ नहीं था तो जीरो से, जीरो से शुरू करना है और बढ़ता हुआ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, आप इसे नोट कर लो क्योंकि ग्राफ बनाने के टेक्निक्स आपके पास होना चाहिए। ज्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको यही करेगा। जिन किसी को भी ग्राफ में कंफ्यूजन हो तो आप अपने चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स में जो आपका 11th क्लास की चैनल है जो कि सेपरेट अब बन चुकी है, उसमें ग्राफ के लिए स्पेशल दो वीडियोस दी गई है जिसमें आपको हर तरह के ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को देख करके कैसे हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे गॉडिसेस के लॉ को। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।